सेकंड चीज ये बहुत लोगों को लगता है मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से हूँ। एक मिनट, क्या बोले? एक्सिप्स, मेरे स्कूल का नाम बोले? इतना घटिया स्कूल है वो, पता है? और मैं सिर्फ 11वीं 12वीं गया था वहाँ पे। उसका स्कूल का नाम है एक्सिप्स, अजीत करम सिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है वो, इंटरनेशनल। और बस यहीं तीन ब्रांच है, बस चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला, बस इंटरनेशनल। और जो चंडीगढ़ वाला स्कूल है ना, वो स्कूल भी नहीं है, वो एक बड़ा मकान है जो है रेंट पे ले रखा है। सच में क्लास के बीच में मकान मिल गया था, रेंट लेने दे दो यार, ये घटिया स्कूल, ठीक है? तो दोबारा हाथ नहीं उठाना स्कूल के लिए कभी पब्लिक, मैं बताता नहीं हूँ किसी को, ये कट कर देंगे वीडियो से हम, ठीक है? ठीक है, सो इसलिए बट थैंक्स फॉर कमिंग। तो ट्रैफिक को फिर कुछ नहीं मिला ना मुझे, कोई आंसर सच में मत देना। तो माय नेम इज अभिषेक, और यार पहले मैं बता दूं, मैं कॉमेडी अब कर रहा हूं, बट बिफोर दिस आई हैड थ्री कॉर्पोरेट जॉब्स। एंड इज देयर एनीवन वर्किंग, और सब स्टूडेंट्स ही हैं नौकरी में? स्टूडेंट्स कौन है? घटिया। तो पता, स्टूडेंट क्राउड की कितनी इज्जत नहीं है कॉमेडी सीन में। कॉमेडी सीन में कोई नहीं मानता कि स्टूडेंट सपोज टू बी अ गुड क्राउड, बिकॉज ये बच्चे हैं ना, ये वैसे ही खुश रहते हैं। इनको हंसाना कौन सी बड़ी बात है, ये अभी भी सुबह से हंसी रहे थे वैसे भी, ये बस अब यहाँ आके हंस रहे हैं, फिर ये ताली मारते हुए घर चल जाएंगे, इनका कुछ नहीं। जो जॉब वाले हैं वो बेचारे फिर रोना शुरू करेंगे, एक घंटा हंसे थे उस दिन में, याद है उस दिन? तो ना इसलिए हम कुछ और कर लेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टअप ही रह गया साहब, आपको पता है ना, यही दो तीन काम ही रह गए हैं बस। या आप पैशन फॉलो करो, जो कि कोई खास ल्यूक्रेटिव नहीं, और या फिर आप पैशन फॉलो मतलब वो स्टार्टअप कर लो, बाकी जो जॉब कर रहे हैं फुद्दू हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही फुद्दू, ठीक है? स्टूडेंट्स की मैं मारने के लिए रेडी हूँ हमेशा, खुश है ना, इनको बुरा नहीं लगता, यहीं की ऑफिस वाले को बोलते हैं बच्चों क्या बोल दिया ये, इतने मैं पंगे स्टूडेंट से लेता हूँ। हाँ, पढ़ाई मुझसे बचपन से नहीं हो पा रही, लेकिन मैं घर वालों को बचपन से सपना था कि हमारा लड़का यार पेपर में मिठाई खिलाते हुए फोटो आ जाए, ठीक है? ये फर्स्ट आया और ये देखो हमारा, ये हम मिठाई खाते हैं और ये खिलाते हैं घर। पर शुरू के ही उनको दो तीन क्लास में पता लग गया, नहीं मिला बेटा वो वाले, सब ने बोल भी दिया था और टीचर ने बोल दिया, छोड़ो छोड़ो। घर वालों ने बहुत कोशिश की, उन्होंने लास्ट दिन ही कोशिश की थी कि बेटा तुम अगर फर्स्ट आओगे क्लास में हम साइकिल लेके देंगे, गियर वाली, गियर वाली ट्राई करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्लास में मैंने ट्राई किया, और ट्राई तो क्या ही किया, मतलब बस विश किया इस बार फर्स्ट क्लास कर दो। तो स्पॉइलर अलर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? तो फर्स्ट रिजल्ट के बाद मेरे डैड आए, कह रहे हैं यू वांट टू नेक्स्ट ईयर, उनका करना ही है, साइकिल तो भी बिछेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, कह रहे दोबारा ट्राई करो मेहनत। सेकेंड में ट्राई किया, सेकेंड में भी कुछ नहीं हुआ, मेरे डैड फिर आ गए, कह रहे यू वांट ट्राई अगेन, मैं कह यार डोंट वरी कीप ट्राइंग, फेलियर इज द स्टेप, मैं करता हूँ, पता है पता है, फेलियर बारे सारे मुहावरे पता है, कोई नया बोलो। थर्ड में ट्राई किया, थर्ड में कुछ नहीं हुआ ना, तो मेरे डैड, मैं मम्मी बेचारी को वो आ गया, तरस आ गया, क्या ले दो साइकिल इसको यार, क्या क्या आप बच्चे से बल्दे निकाल रहे हैं, क्या तीन साइकिलें चोरी कर चुका है, घर में टायर लेके भागता रहता है। जब तीन साल के बाद भी साइकिल लेके दी ना, मैं कह लेकिन दे रहे अभी भी, आप सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं। मैं कह पहले ना ये प्यार से बहुत मनाने की कोशिश की, मान नहीं रहे बात को, हम ले लेंगे साइकिल, सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं। मैं कह घर वालों को सबसे प्यारी चीज़ क्या है, उस पर अटैक करते हैं, और क्या है सबसे प्यारी चीज़, इज्जत। ये एम्बैरसमेंट जैसे सोसाइटी में चाहते हैं बाकी लोग समझें कि हम अच्छी वैल्यूज के लोग, फील में रहते ना फालतू की। मैं कह इनकी इज्जत पर अगर अटैक करो, डर के मारे अपने आप साइकिल ले देंगे। बस से घर से नीचे उतरा, आंटी जा रही थी, आंटी पे थूक दिया। आंटी कह रही क्या कर रहे हो, मैं कहा उनके घर रहता हूँ मैं, उनके घर वो औरत खड़ी ना बालकनी में, वो उसने संस्कार दिए ये।
तभी तो पढ़ाई